मुझे अंदेशा नहीं था कि पंडित रामाकृष्णा इतनी आसानी से हार मान जाएगा। हुजूर ने मुझे कृष्ण देवराय को उलझाने के लिए भेजा है। यही मौका है, मैं पंडित रामाकृष्ण को उकसाता हूँ कि वो कृष्ण देवराय को चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दे। पंडित रामाकृष्ण, वैसे मैंने ये चुनौती महाराज को दी थी, आप तो हार गए, पर अगर महाराज चाहे तो एक बार आजमाइश कर सकते हैं। अब महाराज को जाके कहें कि वो इस चुनौती को मुकम्मल करें। सिराज महोदय, यदि महाराज को ये चुनौती पूर्ण करनी होती तो मुझे इसे पूर्ण करने का आदेश देते ही क्यों? सोच लीजिए पंडित रामाकृष्ण, आपके पास एक मौका और है। आप सत्य कह रहे हैं? धन्यवाद सिराज महोदय, मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगा। अब आज्ञा दीजिए। हाँ प्रणाम। पर ये मौका महाराज के लिए है, सुनिए तो पंडित रामाकृष्ण। चला गया। कोई बात नहीं पंडित रामाकृष्ण, एक बार फिर प्रयास कर लो, दोबारा भी तुम्हारा यही हाल होगा। गुंडप्पा, भोजन अवकाश हुआ है। भोजन ग्रहण नहीं करोगे? सावधान गुंडप्पा, यहां से नीचे मत उतरना, ये सांप तुम्हें काट लेंगे। अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन है। देखिए देवी जी, देखिए देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। पंडित रामाकृष्णा, आपके पति की रक्षा करने के स्थान पर कोयले की बोरी बेचने की चुनौती पूर्ण करने में लगे हैं। इनका दिया हुआ वचन मिथ्या है मिथ्या। इन्हें आपकी और आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। पंडित रामाकृष्ण, आपने तो हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमें कितनी आशा थी आपसे, अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं? देवी जी, आपके अश्रुओं का इन पंडित रामाकृष्णा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्हें व्यर्थ मत कीजिए। पंडित रामाकृष्णा, कोई उपाय सोचा आपने आदिनाथ की रक्षा करने का? आशा करते हैं आप अपना वचन भूले नहीं होंगे। यदि आदिनाथ को मृत्यु दंड मिल गया तो आप अपना अष्ट दिग्गज का पद त्याग देंगे। आपके वचन के साक्षी हैं हम, जो आपने हमारे समक्ष अपनी अम्मा की शपथ लेकर इन देवी जी को दिया था। देखिए देवी, मैंने केवल आपको ही नहीं आपके पति आदिनाथ को भी वचन दिया है, और मैं अपने वचन की पूर्ति अवश्य करूंगा। आप निश्चिंत रहें, उन्हें मृत्यु दंड मिलने में अभी भी एक दिवस बाकी है। पंडित रामाकृष्ण, हम भी देखते हैं कैसे अपने वचन की पूर्ति करते हो तुम। ए बंधु! रामा, तू कैसे करेगा अपने वचन की पूर्ति? तेरे पास एक नहीं दो चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे पूरा कर पाएगा? अपने विश्वास से। विश्वास से? हाँ बंधु, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी दोनों चुनौतियों को अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु ये ज्ञात नहीं कि कैसे करूंगा। रामा, तनाव के कारण तेरी मति तो नहीं मारी गई? कैसी बातें कर रहा है तू? तू सो जा बंधु। यार तो इन सब से कैसे छुटकारा पाओ? अगर मैं इस कार्य में असफल हो गया तो गुलवल मुझे गुलूकुल से निकाल देंगे। हे ईश्वर, सहायता करो। गुंडप्पे, जा भीतर से गुड़ लेकर आ।
रामा तुझे किले को देखकर घुल खाने का मन हो गया? चुप कर, खाना नहीं है मुझे, तू लेकर तो आ फिर चमत्कार देखना। लामा तुझ भी तो नहीं हुआ? होगा, प्रतीक्षा कर। ओ लामा तू तो तेरी यही योजना थी, गुल के लालच में टीटी को बुला और टीटी ने किले को भगा दिया। अब समझा? धन्यवाद लामा मेरे मित्र। गुलू जी कल मैं क्याली अवश्य बना दूंगा, आज का साला दिन सांपों को भगाने में चला गया। अगर कल तक क्यारी नहीं बनी तो चुपचाप अपने घर लौट जाना और दोबारा इस गुरुकुल में कदम भी मत रखना। जो आ गया गुलू जी। गुलू जी मेरे खाने का पात्र कल भी आपके लिए भोजन लाना है ना? प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरु जी। पंडित रामकृष्णा, कोई उपाय सोचा आपने आदिनाथ की रक्षा करने का? मत भूलिए यदि आदिनाथ को मृत्यु दंड मिल गया तो आप अपना अष्ट दिग्गज का पद त्याग देंगे। मैं अपने बच्चों की शपथ लेती हूँ, जिस दिन मेरे पति को मृत्यु दंड दिया जाएगा उस दिन आपकी इसी चौखट पे मैं अपने बच्चों के साथ प्राण त्याग दूंगी और हमारी मृत्यु के जिम्मेदार आप होंगे। दूध में मक्खी गिर गई तो तू क्या दूध फेंक देगा? मुझे ज्ञात नहीं दूध कितना महंगा हो गया। आपको महाराज ने अष्ट दिग्गज पद से नवाजा है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हार मान लो पंडित रामकृष्ण। अम्मा आश्चर्य है अम्मा, गुंडप्पा गुरुकुल से आते ही रसोई में भोजन ग्रहण करने क्यों जाता है? रामा का आ गया। लामा बाहर क्यों आ गया? कुछ नहीं गुंडप्पे, बस ऐसे ही। तू बता गुरुकुल में तेरा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, गुरुवर भी बहुत अच्छे, बाकी छात्रों की अपेक्षा मुझ पर अधिक ध्यान देते। तू है ही उनका प्रिय शिष्य, तूने तो प्रवेश परीक्षा के समय ही उन्हें प्रभावित कर लिया था ना? वही भूल हो गई। क्या तुझ नहीं तिलक खाएगा? नहीं तू खा। लामा तू मुझे उदास क्यों प्रतीत हो रहा है? नहीं गुंडप्पे कुछ नहीं। लामा चिंता मत कर सब ठीक होगा, तू नहीं तो मुझे तिका है, निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। लामा इस शिक्षा का तुम प्रयोग कर। वाह वाह पंडित जी वाह, विवरण तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि कोयला नहीं पारस का पत्थर लिए घूम रहे हो, मुझे कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ बाला चंद्रू ये कोयला नहीं पारस पत्थर ही है।
महाराज कृष्ण देव राय की। महाराज क्या हुआ? महाराज महाराज हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। महामंत्री दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज आज के दरबार की कार्रवाई में महाराज गजब हो गया। महाराज आदाब। महाराज क्या हुआ श्रीराज महोदय? महाराज पंडित रामाकृष्ण विजयनगर छोड़कर भाग गए। क्या? महाराज पंडित रामाकृष्ण सेठ बालाचंद्र को कोयले बेचने के पहले प्रयास में असफल हुए। मैंने उन्हें दोबारा प्रयास करने के लिए एक दिन और दिया। आज हमारा मिलने का वादा था महाराज, पर जब मैं उनके घर सुबह पहुंचा तो मालूम चला कि पंडित रामाकृष्ण विजयनगर से बाहर गए। महाराज मुझे यकीन है कि पंडित रामाकृष्ण विजयनगर छोड़कर भाग गए। इस दोहरे वार ने पंडित रामाकृष्ण को धोबी पछाड़ मारी है। भागते नहीं तो और क्या करते? ऐसा कदम क्या महाराज? जी महाराज, महाराज कहना चाहते हैं कि ऐसा कदापि संभव नहीं है। हाँ, आपने उन्हें एक दिवस का समय। जी महाराज। सिराज महोदय, महाराज कुछ पूछ रहे हैं। क्या महाराज? महाराज महाराज क्षमा करें, परंतु हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। आपने पंडित रामकृष्ण को एक दिवस का समय दिया था, आप प्रतीक्षा कीजिए। जो आज्ञा महाराज की। परंतु पंडित रामकृष्ण विजयनगर वापस लौटकर नहीं आने वाले। आप प्रतीक्षा कीजिए 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 प्रतीक्षा। जी हुजूर। अच्छा हुआ जो पंडित रामाकृष्ण भाग गए। अब मैं कृष्णदेवराय को चुनौती मुकम्मल करने के लिए उकसाता। मेरे हुजूर को वक्त चाहिए, उन्हें वक्त मिलेगा। प्रणाम गुरुवर। कितना तो साहसी है ये गुंडप्पा, प्रतिदिन अपमानित होने गुरुकुल चला आता है। प्रणाम गुरुवर। पुनः अपने नाम का उच्चारण करो। गुंडप्पा। बिना रुके 5 बार अपने नाम का उच्चारण करो। गुंडप्पा। 1 गुंडप्पा। 2 गुंडप्पा। 3 गुंडप्पा।
गुंडप्पा। पुनः गलत उच्चारण। गुंडप्पा, जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है उसे पूर्ण करने का प्रयास करो। सांपों को भगाओ और क्यारी का निर्माण करो। रुको, अपना थैला मुझे दो। समझदार हो गए हो। सभी छात्र कक्षा की ओर प्रस्थान करें। सदैव मिले वस्तु की जांच करेंगे भोजन के लिए, परंतु मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है। तुम चिंता मत करो, लाओ। जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें दे देंगे। चल। अत्यंत ही तेजस्वी, मेरी गणना सटीक है। तेरा भाग्य अत्यंत प्रबल है। माँ लक्ष्मी तुझसे प्रसन्न है। तेरे मन में कोई खोट नहीं। स्वर्ण कासा तेरे लिए एक बराबर, दोनों में कोई भेदभाव नहीं। और माँ लक्ष्मी का तुझसे बढ़कर कोई सेवक नहीं। सत्य वचन, आप कौन है महानुभव? हम हैं जगत प्रसिद्ध महान ज्योतिषाचार्य सीमंत प्रसन्ना। हमारे विषय में तो अवश्य सुना होगा बालक। कोई बात नहीं, हम ज्योतिषी हैं, हमसे कुछ भी नहीं छिपा। हमें यह भी ज्ञात है कि तुम्हारा समय अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए ये रहा तुम्हारे समय का मूल्य। हम जितना समय तुमसे लेंगे उतनी ही मुद्राएं तुम्हें प्रदान करते रहेंगे। जय हो। मैं आपको देखते ही समझ गया कि आप अत्यंत तो कोई विलक्षण व्यक्ति हो। आप मेरा जितना चाहे समय ले लीजिए, बस मुद्राओं का आवागमन निरंतर होता रहे। अवश्य, मुद्राएं तो हम आपको प्रदान करेंगे ही, और साथ में ये भी। छूकर देखो बालक, छूने का मूल्य नहीं है। ये क्या है महानुभव? ये काजल है, चमत्कारी काजल। इससे भाग्य प्रबल हो जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे। इसे लगाने के पश्चात स्वयं पूर्वजों के दर्शन होते हैं। पूर्वजों के, वो पूर्वज जो अपने पीछे न जाने कितने स्वर्ण संग्रह के भंडार छोड़कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने संग्रह किया है, जिसका पता केवल तुम्हें है, तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं, ना तेरी पत्नी ना तेरे पुत्र को। ये अंदर की बात आपको कैसे ज्ञात? खाना, हम ज्योतिषी हैं, हमसे कुछ नहीं छिपा। सोचो बालक, सोचो, तुम्हारे कितने पूर्वजों ने स्वर्ण भंडार का संग्रह किया होगा, जो कहीं किसी कोने में दबा, किसी दीवार के अंदर, किसी पेड़ के कठोर में पड़ा हुआ, तो जैसे भाग्यवान की प्रतीक्षा कर रहा होगा। सोचो। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। नहीं महानुभव, मुझे मुद्रा नहीं चाहिए। कृपया ये चमत्कारी काजल मुझे प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं महानुभव, मुझे मुद्रा नहीं चाहिए। कृपया ये चमत्कारी काजल मुझे प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। उचित है, तो फिर इस काजल का मूल्य चुका दीजिए। महानुभव, ये तो आपका आशीर्वाद है ना, और आशीर्वाद तो
निशुल्क होता है ना। किंतु मैं इस चमत्कारी काजल को निशुल्क प्रदान करके इसका अपमान नहीं कर सकता बालक। क्या मूल्य है इसका? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। क्या? ये तो अधिक है। तो इस चमत्कारी काजल के गुण भी तो अधिक हैं। क्षमा करना महानुभव, परंतु अगर काजल लगाने के पश्चात मुझे मेरे पूर्वजों ने दर्शन नहीं दिए तो मेरे तो 10,000 सुवर्ण मुद्राएं व्यर्थ हो जाएगी। क्या कहा? तुझे लगता है कि हम जगत प्रसिद्ध महान ज्योतिष आचार्य सिमंत प्रसन्ना तुझसे मिथ्या वचन कर रहे हैं? अब कुछ कहा नहीं जा सकता। उचित है, हम दरबार चलते हैं। महाराज श्री कृष्ण देव राय के दरबार चलते हैं। हम वहीं तुझे ये काजल प्रदान करेंगे। तू इस काजल का प्रयोग दरबार में ही करना और अपने पूर्वजों के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात ही हमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देना। उचित है, उचित है। चलो शामू, जरा देखना। तो सबू किसी ना पलन तो ही बात नहीं। पंडित रामाकृष्ण नहीं है तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें। क्या आपको मेरी ये चुनौती स्वीकार है? मैंने बहुत कुछ सुना था महाराज आपके बारे में और पंडित रामाकृष्ण के बारे में, लेकिन अफसोस यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। प्रणाम महाराज। महाराज श्री कृष्ण देव राय की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। अरे ये तो महाकंजूस से बाला चंद्रु है। प्रणाम मंत्रीवर, मेरा नाम बाला चंद्रु है। ये वो। और हम हैं जगत प्रसिद्ध महान ज्योतिषाचार्य सीमंत प्रसन्ना। आप लोग राज दरबार में किस प्रयोजन से आए हैं? मैं बताता हूं। मंत्रीवर, महाराज, ये महानुभव मुझे चमत्कारी काजल बेचना चाहते। इनके अनुसार ये चमत्कारी काजल का प्रयोग करने से हमें स्वयं पूर्वज दर्शन देते हैं। ऐसा भी कभी होता? महाराज, इसी कारण से तो मैं दरबार में आया हूं। अगर इन ज्योतिषाचार्य का कथन सत्य निकला तो इनसे मैं ये काजल 10,000 सुवर्ण मुद्राओं में खरीद लूंगा। यही चुनौती तो मैंने कृष्ण देवराय को दी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ज्योतिषाचार्य कोयले की जगह सुरमा बेच रहा है। ये हो क्या रहा है, मुझे जानना होगा। दरबार में उपस्थित सभी माननीय जन इस घटना के साक्षी होंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इन्हें बंदी बना लीजिए। क्यों महानुभव, आपको यह शर्त स्वीकार है? स्वीकार है सेठ बाला चंद्र जी। स्वीकार है, स्वीकार है। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है सेठ बाला चंद्र जी, किंतु सर्वप्रथम आप ये काजल लगाइए तो सही। लीजिए। माफ करना महाराज, परंतु मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप पंडित रामाकृष्ण का पता लगाएं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सिराज महोदय? क्या इतना अच्छा मनोरंजन
नहीं, वो हमारे कहने का तात्पर्य है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, वो गंभीर मुद्दा जो दरबार के समक्ष आया है, तो आप बीच में बाधा डाल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, आप चुप रहिए आप। लगाइए लगाइए आप ये काजल लगाइए, हम भी देखना चाहते हैं ये काजल कितना चमत्कारी। लगाइए। तनिक रुकिए, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। बात ये है कि काजल लगाने के पश्चात केवल वही पूर्वज दृष्टिगोचर होंगे जो स्वर्गगामी हैं, जो नर्कगामी हैं या जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं वो पूर्वज दृष्टिगोचर नहीं होंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी पूर्वज नहीं दिखेंगे जिन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म उचित प्रकार से नहीं किया है। किंतु आप चिंतित ना हो सेठ बालाचंद्रू जी, आप तो नगर के सम्मानीय व्यक्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही की तरह आपके पूर्वज भी धार्मिक और सदाचारी जीवन व्यतीत ही करते होंगे। आपको आपके पूर्वज अवश्य दिखलाई देंगे। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी बता दी, काजल लगे। हम समझ गए महाराज। बालाचंद्र जी, आपको कोई शंका है कि आपके कोई पूर्वज नरगामी है? नहीं तो? आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध विधि विधान से तो करते हो ना? जी हाँ करता हूँ। चित है? तब तो आपको आपके पूर्वज अवश्य ही दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए और इस दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को बताइए कि आपको आपके पूर्वज दृष्टिगोचर हो रहे हैं अथवा नहीं। मुझे तो कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, परंतु अगर मैं ये स्वीकार करूंगा तो भले बाजार में मेरा अपमान हो जाएगा। धन बचाने के लिए कितने वर्षों से मैंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म ही नहीं किया, मुझे मिथ्या वचन कहने होंगे। पिताश्री, पिताश्री, स्वयं माताजी भी है और दादाश्री भी उपस्थित है। दादाश्री, दादाश्री प्रणाम। धन्य हो सीमांत आचार्य जी प्रसन्ना, आपका काजल तो बहुत ही चमत्कारी है। महाराज, महाराज मेरे पूर्वज आपको प्रणाम करिए, कृपया प्रणाम स्वीकार करें। जी, प्रणाम। सेठ बालाचंद्रू जी, प्रतीत होता है दरबार में उपस्थित दरबारियों को आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तनिक इन्हें बताइए तो सही कि आपके पिताश्री ने किस वर्ण की धोती पहनी है? पीत वर्ण की, और माताजी श्वेत वस्त्र धारण की हुई। तो महाराज, ये सिद्ध हो गया कि हमारा काजल चमत्कारी है। लाइए, मेरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लाइए। आचार्य जी, भला इतना धन लेकर कौन घूमता है? आप कल मेरे घर आइए, मैं आपको धन देता हूँ। सेठ बालाचंद्र जी, आप व्यवसायी हैं, सौदा हो ही रहा है तो पक्का हो। चलिए धन ना सही, आप मुझे कुंडी ही दे दीजिए। गुरुजी, ये तो बताओ ये हुंडी क्या होती है? ऋण पत्र होता है। ऋण पत्र अर्थात एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को ऋण देते समय प्रणाम स्वरूप ऋण पत्र देता है। हैं? अब जाओ बच्चे। समझ गए। हटो। ये लीजिए, इस हुंडी पर हस्ताक्षर कीजिए। धन्यवाद। आप भी ना महानुभव, अत्यंत ही आतुर है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, आज्ञा। प्रणाम महाराज। अब बालाचंद्रू जी, अपने पूर्वजों को भी तो साथ लेकर जाइए। पिताश्री,
माताश्री, दादाश्री आइए। क्या हुआ, रुक गए? आपको प्रणाम कर रहे हैं। आइए 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 आइए। आचार्य श्रीमत महोदय, हमें भी थोड़ा काजल दीजिए ना, हम भी अपने पितरों से भेंट करना चाहते हैं। क्षमा करें गुरुवर, क्या है कि कोयले की बोरी तो सेठ बालाचंद्रु की संपत्ति हुई, और यदि आपको उसी कोयले की बोरी से बना काजल चाहिए तो सेठ जी से ही संपर्क करना पड़ेगा। कोयले की बोरी, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ गुरुवर। जी गुरुवर, प्रणाम। मंत्रीवर, ये तो पंडित रामकृष्ण जी हैं। पंडित रामकृष्ण, प्रणाम महाराज। सिराज महोदय, सिराज महोदय, मैंने आपकी चुनौती पूर्ण की, और उसके लिए मुझे पूरी कोयले की बोरी तो बेचनी भी नहीं पड़ी, कोयले के मात्र एक छोटे से टुकड़े से ही कार्य हो गया। जो काजल मैंने सेठ बालाचंद्र को भेजा ना, वो आपकी दी हुई बोरी के कोयले से ही बना था, जो आपने मुझे सेठ बालाचंद्र को बेचने को कहा था। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। सिराज महोदय, चुनौती पूर्ण हुई। कहाँ है हमारी 100,000 स्वर्ण मुद्राएं? पंडित रामकृष्ण ने सब चौपट कर दिया। जी महाराज, हम समझ गए महाराज। सिराज महोदय, महाराज कुछ पूछ रहे हैं। महाराज, 100,000 सोने की अशर्फिया मेरे निवास स्थान में है, आप किसी को साथ में भेज दीजिए, मैं उन्हें सौंप दूंगा। जो आज्ञा महाराज। सैनिको, अद्भुत पंडित रामकृष्णा, आपने पुनः एक बार असंभव को संभव करके दिखाया है। धन्यवाद महाराज, दुष्कर कार्य पूर्ण होने से पूर्व असंभव ही प्रतीत होते हैं। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्णा, अति उत्तम। धन्य है पंडित रामकृष्णा जी, आप उस कंजूस सेठ को आपने क्या सबक सिखाया। धन्यवाद कोतवाल। कैसी रही गुरुवर? महाराज, हम आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण कार्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जी गुरुवर, बताइए। आपके आदेश के अनुसार रनिवास में कार्यरत पंडित रामकृष्णा द्वारा चयनित सेवक आदिनाथ को आज मृत्यु दंड दिया जाना है। जी, ज्ञात है हमें। तो हम महामंत्री तिमारासु जी से निवेदन करते हैं, राज आज्ञा का पालन करें और शीघ्र अति शीघ्र सेवक आदिनाथ को फांसी पर चढ़ाएं। महामंत्री जी। जी, जो आज्ञा महाराज। अब हमारी कैसी रही पंडित रामकृष्ण? आज की सभा। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! आज अष्ट दिग्गज के पद पर तुम्हारा ये अंतिम दिन है।
सेठ बालाचंद्र को तो मूर्ख बना दिया तुमने, परंतु सेवक आदिनाथ की मृत्यु दंड से कैसे रक्षा करोगे तुम? बच्चों की शपथ लेती हूँ कि जिस दिन मेरे पति को मृत्युदंड दिया जाएगा उस दिन आपकी इसी चौखट पे मैं अपने बच्चों के साथ प्राण त्याग दूंगी और हमारी मृत्यु के जिम्मेदार आप होंगे। बुद्धि में ही शक्ति है। शिष्यों, ऋषियों ने चार वेदों की रचना की है जिसमें से सबसे प्रमुख वेद है। गुलवल, क्या मैं कक्षा के भीतर आ सकता हूँ? गुंडप्पा, मैंने तुमसे क्या कहा था? जब तक तुम्हारा कार्य संपन्न ना हो तुम्हें कक्षा में आने की आज्ञा नहीं है। कार्य संपन्न हो गया गुलवल। एक भी सांप नहीं दिखाई दिया। अरे सांप बदलाल चिड़िया चल रही है। लाल चींटियां अत्यंत ही आक्रामक होती है, ये यहां कैसे आ गई? वचन अनुसार युद्धवीर यहाँ क्याली बनाएगा। युद्धवीर क्यों? क्षमा करना गुरुदेव, हमने गुंडप्पा को वचन दिया था कि अगर उसने सांपों से पार पा लिया तो क्यारी हम बनाएंगे। युद्धवीर, परंतु उनके सर पर चीतिया गए, लाल चीतिया गए जिनका दंड सांपों से अधिक पीड़ादायक होता है। युधिष बोला फावला। महाराज, अशुभ आदिनाथ को और विलंब किए बिना फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, पंडित जी, महाराज हमारे राज्य का नियम है कि किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड देने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूछी जाती है। हमें आदिनाथ से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछनी चाहिए महाराज। ये पंडित रामकृष्ण अब कौन सा नया प्रपंच रच रहा है? पंडित जी, आपने कहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा तो की नहीं, अब मेरी अंतिम इच्छा ज्ञात करना चाहते।
नहीं है मेरी कोई अंतिम इच्छा। दे दो मुझे मृत्युदंड, दे दो मुझे मृत्युदंड। जी महाराज। जल्लाद, महाराज, महाराज मैं आदिनाथ से क्षमा मांगना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं उसकी इस अवस्था का उत्तरदायी मैं ही हूँ। मैंने ही इसे रनिवास में चयनित करवाया था। कृपया मुझे आदिनाथ से क्षमा मांगने की आज्ञा दे महाराज। उचित है। धन्यवाद। पंडित जी आपने कहा था आप मेरी रक्षा करेंगे। चुप रहो और मेरी बात सुनो। संभालिए अपने आप को गुरुजी। ठीक है महाराज, आदिनाथ अपनी अंतिम इच्छा बताने के लिए तैयार है। आदिनाथ बताओ। महाराज अभी तक तो कह रहा था कोई अंतिम इच्छा है ही नहीं, अब अंतिम इच्छा कहां से पैदा हो गई? कुरवर, आदिनाथ बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है? हमारा आपसे अनुरोध है कि मेरे अंतिम वाक्यों से समस्त विजयनगर के नागरिकों को अवगत कराया जाए। उचित, क्या है आपका अंतिम वाक्य? महाराज, मुझसे भी अशुभ व्यक्ति विजयनगर में उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि उसका परिचय विजयनगर के समस्त नागरिकों से करवाऊं। तुमसे भी अशुभ। अर्थात तुमसे भी अशुभ व्यक्ति है। कौन है, क्या नाम है उसका? नाम बताओ, हम उसे भी मृत्युदंड दे देंगे। नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है महाराज, उसे भी मृत्युदंड दे देंगे। वो व्यक्ति है विजयनगर के महाराज कृष्ण देव राय। मृत्यु के भय से विक्षिप्त हो गया है ये। उल झुलूल बोल रहा है, हमारे महाराज को अशुभ बोल रहा है तू। हाँ हाँ गुरुवर, क्योंकि मेरे अशुभ होने के कारण महाराज की तो वाणी पर ही प्रभाव पड़ा, लेकिन महाराज के अशुभ होने के कारण मुझे मृत्युदंड मिला। उस दिवस प्रातः महाराज ही वे प्रथम व्यक्ति थे जिनकी सेवा के लिए मैं गया और जिनकी सूरत के मुझे दर्शन हुए, और इनकी अशुभता के परिणाम स्वरूप ही मुझे मृत्यु दंड मिला। देख क्या रहे हो सैनिकों, शीघ्र अति शीघ्र फांसी पर लटका दो इस धूर्त को। हमारे पूजनीय महाराज का अपमान कर रहा है ये। उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। परंतु महाराज, करुवार, पंडित रामकृष्ण, हमें ज्ञात है कि आप ही ने आदिनाथ को यह सब सिखाया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, हमें संदेह था कि यह पूरा प्रपंच पंडित रामकृष्ण द्वारा रचा गया है। महाराज, पंडित रामकृष्ण को कठोर से कठोर दंड दीजिए। आइए महाराज, आइए अपना दंड सुनाइए महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम आपके आभारी हैं।
आज आपने सिद्ध कर दिया है कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, ये केवल मन की बनाई हुई मिथ्या शंकाएं हैं, यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं। और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपने सत्य उजागर करने हेतु हमें माध्यम बनाया, अन्यथा हमें इस बात को समझने में विलंब हो जाता। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण, समय रहते आपने हमारी आंखों के समक्ष अंधविश्वास का जो पर्दा था उसे हटा दिया और हमें एक अनर्थ करने से बचा लिया। साथ ही साथ आपने एक निर्दोष व्यक्ति की रक्षा की, उसके प्राण बचाए, हम आपके आभारी हैं। ये तो हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रताप ही हो सकता है। सत्य कह रहे हैं महाराज, आप पूर्व जन्म में भी पुण्य आत्मा थे, ये हम जानते हैं। जी गुरुवर, क्या था हमें, तभी हमें पंडित रामकृष्ण जैसा मित्र और विशेष सलाहकार मिला। आदिनाथ हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमसे त्रुटि हो गई। महामंत्र जी, जो आज्ञा महाराज। जलाद, महाराज महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज मुझे क्षमा मांगकर आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए, आप मेरे महाराज। उठो आदिनाथ, आदिनाथ हम तुम्हें अपने रनिवास का मुख्य सेवक पुनः नियुक्त करते हैं, चलते हैं। पंडित जी आप देवता स्वरूप हैं, मैं और मेरा परिवार आपका ये उपकार जिंदगी भर स्मरण रखेगा। आदिनाथ ये सारी बातें छोड़ो और शीघ्र जाकर अपने परिवार से मिलो, यही द्वार के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत बेचैन है, जाओ जाओ शीघ्र मिलो उनसे। जी पंडित जी। गुरु जी हम तो कहते हैं एक बार फिर से पंडित रामकृष्ण से प्रश्न पूछ के देख लीजिए, हो सकता है पंडित रामकृष्ण उस प्रश्न का उत्तर सही दे दे इस बार। जाइए पंडित रामकृष्ण। कहिए गुरुवर, कैसी रही? ठीक ही रही पंडित रामकृष्ण, अब हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अरे आप आदेश दें। पंडित रामा एक प्रश्न ने हमें उलझा कर रख दिया है, उसका हल नहीं मिल रहा है। अब वो क्या है कि बौद्धिक स्तर पर हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। अच्छा। हाँ। अब ये एकदम नीचे के स्तर का प्रश्न है। ओह। तो इस प्रश्न के उत्तर को पाने में हमें कठिनाई हो रही है। मैं समझ सकता हूँ गुरुवर, वैसे प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है पंडित रामकृष्ण कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय कौन सा प्रहर था, दिवस था या रात्रि थी? आश्चर्य की बात है गुरुवर, कल एक भिक्षुक आया था, गंदा सा बूढ़ा सा लंबी लंबी दाढ़ी वाला, ये ऐसे कर रहा था, उसने भी मुझसे यही प्रश्न किया है? वो भिक्षु कल हमारे भवन पर भी आया था। वही गंदा वाला ना? ना ना, उतना गंदा नहीं था जितना आप कह रहे हैं। अच्छा। वो उसने हमसे भी यही प्रश्न पूछा था, तब से हम बड़ी असमंजस की स्थिति में है। गुरुवर मैं आपको भी वही उत्तर दे सकता हूँ जो मैंने उस भिक्षुक को दिया था, और कोई उत्तर ज्ञात नहीं है मुझे। वो उत्तर गलत है। किंतु आपने तो अभी तक उत्तर सुना ही नहीं है? है? अरे चलो धनी मनी, चलो चलो।
सुधीर, स्थान पर दालचीनी डाल दो। शालदा ने कहा है कि दालचीनी डालने से चींटी भाग जाती है। लो मैं तुम्हारे ले आया। यहाँ पल है, आवश्यकता हो तो ले लेना। लीजिए लीजिए तरकारी लीजिए, बिना मूल्य तरकारी लीजिए, दान में तरकारी लीजिए, लीजिए लीजिए। अरे ये सेठ बालाचंद्र क्या कर रहा है? लीजिए 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 लीजिए, आप भी लीजिए। क्या हुआ सेठ बालाचंद्र जी? पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया कोई स्वर्ण भंडार मिल गया क्या? पंडित जी स्वर्ण भंडार का तो मुझे पता नहीं, किंतु मेरे पूर्वजों ने दर्शन देकर ये सीख अवश्य दी कि सच्चा सुख धन को तिजोरी में रखकर नहीं बल्कि जरूरतमंदों को बांटकर ही पाया जाता है। इसलिए मैं तरकारी बांट रहा हूँ। लीजिए लीजिए, आप भी तरकारी लीजिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अरे लीजिए लीजिए, ये लौकी बहुत ही गुणकारी है, इसे बुद्धिवर्धिनी कहते हैं। ये शरीर को शीतलता प्रदान करती है। लीजिए लीजिए, इसका कोई दाम नहीं देना। अरे लीजिए। धन्यवाद। चलो आज की तरकारी का धन बच गया। घर जाते ही शारदा से कहकर लौकी का कोफ्ता बनवा कर खाऊंगा। विवाहित जीवन के अपने ही लाभ हैं। धन्य हैं आपके पूर्वज बालाचंद्र सेठ जी, जिन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में आपको इतनी अच्छी सीख दे दी। हाँ। लौकी के लिए धन्यवाद, प्रणाम। महाराज, महाराज ये चल गिर गया। कोई बात नहीं महाराज। महाराज आपकी वाणी के उपचार के लिए महारानी तिरुमलम्मा ने तोते द्वारा झूठे किए गए अमरूदों का मुरब्बा बनाया है। लेकिन महारानी चिन्ना देवी, जब तक वो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देती है तब तक हम उनके हाथों से बना हुआ कोई भी व्यंजन नहीं ग्रहण करेंगे, ये तो शर्त याद है ना? हाँ महाराज, हमें आपकी शर्त ज्ञात है, परंतु ये महारानी द्वारा बनाया गया कोई व्यंजन नहीं है अपितु एक औषधि है। हम औषधि नहीं खाएंगे। आपका खाना अनिवार्य है। हम नहीं खाएंगे महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा के बनाए हुए। ये मुरब्बा नहीं, ये मरब्बा है। मरब्बा जान जो ग्रहण करेगा वो मृत हो जाएगा। ईश्वर, महाराज ये औषधि तो प्रभावशाली है। हमारी वाणी पुनः आ गई हमारी वाणी, हम बोल पा रहे हैं। देखिए हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय। हमारी वाणी। महाराज हम ये शुभ समाचार महारानी तिरुमलम्मा को बता कर आते हैं। जी नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कृपया ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा आप। यदि महारानी तिरुमलम्मा को पता चल गया कि हमने उनका बनाया हुआ मुरब्बा खा लिया और हमारी वाणी पुनः आ गई तो हमें उनके बनाए हुए वो जो व्यंजन कहती हैं वो खाने पड़ेंगे। उचित है, तो आपको हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? आप हमें बार बार वो प्रश्न पूछकर व्यथित नहीं करेंगे। परंतु उचित है, परंतु हम महारानी तिरुमलम्मा का तो पूछ सकते हैं ना? आप उनसे पूछे महाराज, हमें कोई आपत्ति नहीं। अद्भुत। खुशामदीद खुशामदीद अल्पारा। सुल्तान सुल्तान, ये है मेरी नायाब खोज। उड़नछू मणि, ये पदार्थ एक नायाब पदार्थ है सुल्तान। इसे मैंने ठीक वैसा ही बनाया है जैसा आप चाहते थे। इसीलिए तो ये खास है सुल्तान, और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है उड़नछू। पर ये
ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन को मुमकिन कर दिया अल्पारा ने। ये पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो इंसानी जिस्म को छूते ही जिस्म की गर्मी पाकर आप बनकर हवा में गायब हो जाता है, और उसके गायब होने के वक्त को मैं रोक सकता हूं। 2 घंटे में गायब होने वाली या 2 दिन में गायब होने वाली मणि मैं बना सकता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे ये तो वाकई बड़े कमाल की चीज है। अब इसका इस्तेमाल हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन कृष्णदेव राय को नेस्तनाबूद करने में करेंगे। पर सुल्तान, पंडित रामाकृष्ण के होते हुए कैसे मुमकिन होगा? वो बहुत ही अक्लमंद है सुल्तान, कृष्णदेव राय को इस बार भी बचा लेगा। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार रामा को उलझाने के लिए हमने ऐसी तरकीब सूझी है कि वो तो क्या दुनिया का शातिर से शातिर पंडित भी उसे सुलझा नहीं पाएगा। वो क्या है सुल्तान? बुद्धिदास को पेश किया जाए। आदाब सुल्तान, खाकसार को शरीफा कहते हैं और ये हैं बुद्धिदास जी। तुम कौन हो और इस गधे को दरबार में क्यों लाए हो? ए, क्या बोल रहे? अरे सुल्तान बचाओ! अरे अरे सुल्तान, अरे 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 रुको इसे शिराग, अरे अरे सुल्तान, अरे कोई, अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे कौन तो रोको इसे यार। बुद्धिदास को अगर कोई गधा कहे तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। हुजूर, आप इनसे मुआफी मांग लीजिए वरना ये आपके पीछे ही पड़े रहेंगे। गधे से? अरे फिर गधा बोल रहे हैं आप? माफी मांगिए। अरे सिराज, माफी मांगो उनसे। मुआफ करना मेरे आका खान अहमद, मेरे आका बुद्धिदास जी। बुद्धिदास जी माफ कर दीजिए हुजूर को। आइए चल, आइए आइए। अरे ये तो अफलातून है। खामोश बुद्धिदास, खामोश। लेकिन रास्ते में जाते समय इसके कानों पर कुछ रख देना, वरना अगर किसी ने इसको मेरा मतलब है बुद्धिदास को कोई वो ना बोल दे जो सुनकर ये भड़क जाते। जी हुजूर। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। जाइए इस मुसीबत को लेके। जी हुजूर। आदा, अब ये गधा तुम्हारा दुश्मन होगा रामा। अब तुम इससे निपटोगे या कृष्णदेव राय को हमसे बचाओगे?